बिहार राज्य के सभी स्थानीय निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। इस बार सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी ओर सभी अभ्यर्थियों को ध्यान दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। यह फॉर्म ऑनलाइन रूप से सभी नियोजित शिक्षकों द्वारा भरा जाना है और इस फॉर्म को भरने के लिए विस्तृत रूप से गाइडलाइंस भी इशू किए गए हैं। अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना भी प्रकाशित की गई है। नियोजित शिक्षकों से अनुरोध है कि उन सभी मार्गदर्शकों को और गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें फॉर्म भरने के पहले और उसके पश्चात ही फॉर्म भरें। इसके लिए एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार करके कल तक समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अर्थात क्रमवार रूप से बताया जाएगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उन्हें सबसे पहले टाइप ऑफ टीचर इसको टिक करना पड़ेगा, जिसमें कि कुल मिलाकर 7 अलग अलग श्रेणी है, 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, 6 से 8 कक्षा के लिए फिजिकल टीचर, 9 से 10 कक्षा के लिए फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन। इसके बाद उन्हें टाइप ऑफ नियोजन यूनिट अर्थात किस प्रकार की नियोजन इकाई है, 6 इकाई में टिक करना होगा, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्रामीण स्तर के लिए और नगर स्तर के लिए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में से किसी एक को टिक करना। उसके बाद कैटेगरी इत्यादि को भरने के पश्चात कैंडिडेट को अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूरी जानकारी इस विषय में उनको भरनी होगी। शैक्षणिक योग्यता के पश्चात जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, जिस मामलों में लागू होगा, डीएलएड अथवा इक्विवेलेंट, बीएड अथवा इक्विवेलेंट या कोई अन्य, उस ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को भी उनके द्वारा भरा जाना होगा। और पूर्व में जिस किसी भी प्रकार की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को विद्यार्थियों को ऐसे नियोजित शिक्षकों ने, जिसमें वो अपीयर हुए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तीर्णता हासिल की है, उन सबों की विवरणी भी उन्हें लिखनी होगी और उसका जो भी परिणाम रहा हो, क्वालिफाइड रहे हैं या नॉट क्वालिफाइड रहे हैं, उसकी भी विवरणी उनको देना, अपना विषय उसको भरने की आवश्यकता होगी। कि पोस्टिंग के लिए 3 जिलों प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें प्राथमिक कक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए एक परीक्षा होगी, कक्षा 6 से 8 के लिए 8 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए कुल 19 विषय निर्धारित किए गए हैं। इनमें पूर्व से जो 17 विषय अखबारों में विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया था, उन 17 विषयों के अलावा 2 अन्य विषय अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान को भी आज जोड़ा जा रहा है। 11वीं और 12वीं के लिए 31 अर्थात कुल 59 विषयों में अलग अलग परीक्षा लिए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है, यह परीक्षा ऑनलाइन रूप से आयोजित की जाएगी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। ऐसे सभी शिक्षक अभ्यर्थी से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभी से ही प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें और इसके लिए उन्हें कई अलग अलग संस्थानों का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें पीटीसी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डाइट,
या ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर आईसीटी लैब की स्थापना की गई है, इनमें से कहीं पर भी वो जाकर निर्धारित अवधि जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उसमें वे कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि उनको ऑनलाइन परीक्षा देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है फॉर्म भरते समय कि जो भी विवरणी जो भी हम लोगों ने बताया, यह जब शिक्षक अभ्यर्थी भरेंगे तो विवरणी भरने के पश्चात उन्हें रिव्यू का बटन दिया जाएगा, ताकि वो फॉर्म सबमिट करने के पहले अपने आवेदन पत्र को अच्छी तरह से एक एक फील्ड को देख लें, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नियोजन इकाई, कैटेगरी, आरक्षण श्रेणी, डिफरेंटली एबल श्रेणी और अन्य जितने भी फील्ड उनको भरने हैं उसको वो पूरी तरह रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएं कि मेरे द्वारा दी गई सारी विवरणी सही है, तभी वो सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके पश्चात फॉर्म भरा जाएगा। यदि किसी कारणवश उनके द्वारा भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके बाद इस फॉर्म की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और डीओ ऑफिस से उस फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको किया जाएगा। जिस शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सभी विवरणी सही भरी जाएगी और जो इस परीक्षा में बैठने हेतु योग्य होंगे उनका एप्लीकेशन डीओ कार्यालय द्वारा बिहार बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और तब उसका कैंडिडेचर अंतिम रूप से प्रमाणित माना जाएगा और उसके पश्चात उसे एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के विवरणी में त्रुटि होती है तो यदि वह अभ्यर्थी योग्य है परीक्षा देने योग्य, तो त्रुटि के साथ उसके लॉगिन में वापस डीओ ऑफिस से वह फॉर्म भेज दिया जाएगा और तब उसको मौका दिया जाएगा एडिट ऑप्शन का कि जो भी उसने त्रुटि की है उस शिक्षक अभ्यर्थी ने किसी भी फील्ड में सरकारी अभिलेख के अनुसार, उसको वो सुधार करके दोबारा फॉर्म भर सके। और इस प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई उसका रिकॉर्ड सरकारी अभिलेख में परिलक्षित ठीक से नहीं हो रहा हो या कोई अन्य समस्या हो तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, और पुनः जब वो उस फील्ड को करेक्शंस करके दोबारा फॉर्म भेजेंगे तो पुनः डीओ ऑफिस द्वारा उसकी समीक्षा करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। और यह एडिट ऑप्शंस उन कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा जो परीक्षा में बैठने की सक्षमता रखते हैं, जो बिल्कुल ही किसी कारण से इस परीक्षा में बैठने की जिनकी सक्षमता नहीं है, वैसे फॉर्म्स को डीओ द्वारा सीधे तौर पर स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।